नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पास है ये ट्राई कलर सॉस जो मैंने बनाई है पुदीना धनिया के साथ, और ये है मेयोनीज और ये है रेड सॉस। और मैं बनाने जा रही हूँ एक सैंडविच रोल। तो देखिए, सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, ये कॉर्नर्स को हम काट देंगे। इस तरह से हमें सारे कॉर्नर्स इसके हटाने होंगे। ये कॉर्नर्स आप फेंके नहीं, बहुत बढ़िया ब्रेड क्रम्स बनते हैं। और सभी रेसिपी में आपको पता ही है ब्रेड क्रम्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए मिलते हैं सारे कॉर्नर्स को काटने के बाद। तो देखिए, मैंने सब तरफ से ये कॉर्नर्स को काट लिया। अब हमें क्या करना है, मेरे को इसको थोड़ा सा बेलना है। इसको मैं इस तरह से फ्लैट करूंगी। हम बनाने जा रहे हैं ट्राई कलर ब्रेड रोल्स। ये देखिए, इस तरह से मैं सारी ब्रेड को एक बार दबा लूंगी। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगा, और जब आप खाएंगे या सर्व करेंगे तो पीपल विल बी सरप्राइज टू सी हाउ डिड यू मेक इट। वैसे तो लंबी एक ब्रेड भी मिलती है, पर मुझे वो ब्रेड नहीं मिली, तो मैं इस तरह से इनोवेशन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रख दूँगी साइड में। और मैं क्या करूँगी, ये ब्रेड के पीसेस ऐसे लगाती जाऊँगी। ये तरीका होगा लगाने का। तो अब हम क्या करेंगे, एक काम हमें क्या करना है कि एक साइड पे आप देखिए, ये कॉर्नर पे मुझे थोड़ा सा बटर लगाना है। बटर लगाऊंगी और ये दूसरी वाली ब्रेड को इस तरह से सील कर दूंगी दबा के। और फिर मैं थोड़ी सी इस तरह से लगा के और इधर से ये सील करूंगी, और इसी तरह से यहाँ लगाऊंगी और ये भी मैं सील कर दूंगी। तो ये देखिए, सारी ब्रेड मेरी सील हो चुकी है। और अब हमें क्या करना है, हम लगाएंगे तीनों कलर्स। तो देखिए, मैं इस पे रेड सॉस इस तरह से लगा रही हूँ। बिल्कुल इसको हमें इवनली स्प्रेड करना है। बहुत ही लाजवाब बनेगा ये हमारा ब्रेड रोल। ये देखिए, है ना बढ़िया। और अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पे मैं थोड़ा सा ये बटर लगाऊंगी। लिबरली आप बटर लगा लीजिए इस तरह से। और अब मैं लगाऊंगी मेयोनीज, क्योंकि सेंटर में हमें रखना है वाइट। अगर आप ट्राई कलर ना बनाएं तो आप कोई भी कलर्स लगाइए, जैम लगाइए, जो आपका मन हो, दैट्स प्योरली योर चॉइस। पर मैं क्योंकि झंडे के कलर बना रही हूँ, इसलिए मैं इस तरह से करूँगी। और लास्ट में मैं लगाऊंगी ये ग्रीन कलर। देखने में ही बहुत बढ़िया लग रहा है और बनके तो लाजवाब होगा। तो देखिए, इस तरह से मेरे ट्राई कलर मैंने बना दिए। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर मुझे कुछ और नहीं डालना, बस इसको बहुत ही जेंटली और हल्का सा प्रेस करते हुए बस रोल करना है इस प्रकार से। आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया ये रोल हो रहा है। बस इस तरह से मैं इसको रोल करूंगी धीरे धीरे, और ये सारा रोल हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये रोल बनके हो गया तैयार। तो अब मैं क्या करूंगी, एक क्लिंग रैप में इसको रखूंगी। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं ट्राई कलर मेरा सैंडविच रोल बनके हो गया तैयार। तो मैं क्या करूंगी, इसको एक क्लिंग रैप के अंदर इस तरह से करके रखूंगी, एकदम टाइट इस तरह से। और इसको
एक साइड पे घुमाएंगे हम और इसको दूसरी साइड पे टर्न करें और इसको 10 मिनट के लिए मैं रख दूंगी फ्रिज के अंदर और फिर हम इसको काटेंगे। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और ये सेट हो गया हमारा ब्रेड रोल। अब मैं क्लिंग रैप को निकाल दूंगी और हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। यकीन जानिए बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया लगेगा। आप देख सकते हैं ये ट्राई कलर कितना बढ़िया बनके हुआ है तैयार, है ना वाओ रेसिपी। जरूर इसको आप ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको ये प्यारा सा आइडिया कैसा लगा। तो देखिए इस तरह से बनके तैयार हुआ मेरा ट्राई कलर ब्रेड सैंडविच रोल। और आप इसको खा के बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव दिस इनोवेटिव टेस्टी डिलीशियस रेसिपीज। सो वी आर ऑल सेंटिमेंटल अबाउट 15th August। माई सैल्यूट टू ऑल द प्राउड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल माई इंडियन ब्रदर्स सिस्टर्स। डू ट्राई दीज रेसिपीज। Thanks for watching.